Hello guys, welcome back in Movies Mania World. To fir se ek bar swagat hai top 5 movie beyond imagination ki ek naye episode aur naye video mein. अगर आप उन मूवीज का शॉकिंग रखता है, वो मूवीज जो आपकी दिमाग को भी माप दे दे और जिसे देखने का बाद बस आप दिनों तक उस चीज के बारे में सोच में पड़ जाए, और अगर आप मूवीज को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि आप मूवीज के अंदर खो जाना चाहता है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे बियॉन्ड से भी बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवीज को. और ये सारे मूवीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा. तो ज्यादा बकवास नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं. नंबर 5, द रूम. अगर क्या होता कि एक ऐसा रूम मिल जाए जिसके अंदर जो भी मांगो तो मिल जाएगा, तो कितना मजा आता. यही एग्जैक्ट सेम चीज एक मैरिड कपल के साथ होता है. अब ये कपल एक नया घर में रहने को आता है जहाँ उसे एक रूम मिलता है जिस रूम के अंदर जो भी मांगो तो मिल जाता है, और इस रूम के अंदर दुनिया के वो हर मज़ा पा सकता है और खूब मजे करने लगता है. और ये मूवी तब सीरियस होने लगता है जब वो दोनों उस रूम से एक बच्चा मांग लेता है. अब इस रूम के पीछे क्या राज है, ये सारे सवालों का जवाब आपको मूवी के अंदर मिल जाएगा, और इस मूवी का क्लाइमैक्स तो आपका दिमाग को कुछ देर के लिए सरा देगा. मामी, डैडी. नंबर 4, पेचेक. ये कहानी है एक जीनियस इंजीनियर की. इस जीनियस इंजीनियर को बड़े बड़े कंपनी से काम मिलता है. कुछ नया आविष्कार करना है तो उस जीनियस इंजीनियर को बुलाया जाता है और वो उसे बनाता है, और कंपनी वाला उसे खूब मारामार कर देता है, और उसके बाद उसका याददाश्त को मिटा दिया जाता है ताकि ये आइडियाज बाहर किसी और के हाथ ना लगे. और ये जीनियस इंजीनियर एक दिन एक कंपनी के लिए काम करता है जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से खतरे में पड़ जाता है. पूरी शहर की पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाता है, और आप उससे खुद जानना है कि उसने क्या बनाया था, तब उसे कुछ भी याद नहीं होता है. ये मूवी पजल की तरह है जिसे सॉल्व करने के दिमाग चाहिए. और ये जीनियस इंजीनियर अपने खोया हुआ याददाश्त को किस तरह सॉल्व करता है, ये तो एक अलग ही लेवल का है. नंबर 3, ओवरलॉक. अगर आपको वॉर मूवी देखना पसंद है तो ये उन मामले में काफ़ी सॉलिड पीस है. इस मूवी के अंदर सिर्फ वॉर ही नहीं बल्कि आप उन चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस करेंगे जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा होगा. मूवी के अंदर अमेरिकन और नाजीस के बीच जंग दिखाता है. कुछ अमेरिकन सोल्जर्स को ऑर्डर मिलता है कि वो नाजीस के एरिया में जाए और वहाँ की एक टावर उड़ा दें ताकि वो उस जंग को जीत पाए. पर वहाँ उन लोगों को कुछ ऐसा पता चलता है कि जिसे देखने के बाद दिमाग की काम करना बंद कर दे. एक बहुत डरावना चीज जिसे इग्नोर कर दो तो कभी जंग रुकेगा ही नहीं. नंबर 2, मर्डर. अगर आपको देखने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है तो ये मूवी आपके दिमाग को और भी कंफ्यूज करा देगा. इस मूवी के अंदर इतनी अजीब चीज़ें होती है, शायद हम इस चीज़ के बारे में कभी सोच भी नहीं पाएंगे. मूवी के अंदर एक अननोन मैरिड कपल को दिखाता है जो जंगलों के बीचों बीच एक मकान में रहता है, और धीरे धीरे उनके साथ इतना अजीब होने लगता है जिसे एक्सप्लेन कर पाना भी बहुत ही मुश्किल है. और अब बोनी से तो अच्छा मूवी देखो और उसमें खो जाओ, और मूवी देखते वक्त ऐसे लगेगा कि आपके दिमाग को कोई चाट रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहा है, और एंडिंग में आके तो आपके दिमाग गायब ही हो जाएगा. To do is bring life into this house. Open the door to new people, new ideas. I'm so sorry. Get out of my house! Number 1, The Witch. ये कहानी है एक फैमिली की जो गांव के बाहर जंगल में रहता है, और इन फैमिली के ऊपर बहुत ही भयानक शैतान की साया होता है. और आप जिस माहौल पे वो लोग जी रहा है वहाँ ना तो अच्छा जिंदगी है ना तो अच्छा खाना मिलता है. धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी इतना बदतर होने लगता है कि उनके घर से लोग मारने लगता है, और एक वक्त के लिए ऐसे लगता है कि हमेशा के लिए भगवान इंसानों को ताता कह दिया हो. इस मूवी का एंडिंग तो एक अलग ही मतलब है. इसमें हमारे सवालों का जवाब बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और आप इसे समझना है तो दिल और दिमाग की तो सख्त ज़रूरत पड़ेगा. तो ये वाक्य वीडियो को एंड करने की, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सच में एक मूवी फैन है तो ज़रूर करना.
अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, जो भी हो कर देना, और फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड और नए वीडियो में।